दोस्तों आपके लिए बहुत ही बेहतरीन खबर है बाबरी मस्जिद के बारे में। जो कोर्ट का फैसला आया था, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बाबरी मस्जिद के बारे में आपने सुना होगा। अब उसके बारे में जो, क्योंकि उस फैसले में, कोर्ट के उस फैसले में बहुत सारी खामियां थी, इसी वजह से अब जो है आज यानी 17 नवंबर 2019 में, यानी आज अल्लाह के फजल करम से मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से बहुत अहम मीटिंग लखनऊ में की गई थी। उसमें बड़े बड़े अकाबिर, हमारे सरों के ताज उसमें शामिल हुए हैं, जैसे कि हजरत मौलाना राबे साहब और जनाब हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब, और उसके अलावा हजरत मौलाना वली रहमानी साहब, बड़े बड़े अकाबिर उसमें शामिल हुए हैं। और उन्होंने ये फैसला किया है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और उसके साथ साथ जमीयत उलमाए हिंद, ये दोनों मिलकर इस केस को फिर से लड़ेंगे। वो इस तरह लड़ेंगे कि कोर्ट से ये अपील करेंगे, कोर्ट से ये दरखास्त करेंगे कि इस फैसले पे नजर सानी की जाए, यानी रिव्यू का जो सिलसिला होता है आप हजरात जानते होंगे, यानी इस फैसले पे नजर सानी की जाए और इस फैसले में क्या क्या खामियां हैं उनकी तरफ जो है तवज्जो दिलाई जाए। मिसाल के तौर पे बहुत सारी खामियां हैं, मैं एक मिसाल आपको ये भी देना चाहता हूं, जैसा कि कोर्ट ने ये बताया नहीं है कि इस मस्जिद को तो तोड़ा गया था, मस्जिद तो तोड़ना तय है, लेकिन कोर्ट ने ये यहाँ फैसला करते हुए ये बताया नहीं ये जमीन किसकी थी, ये मुसलमानों की जमीन थी या किसी और की जमीन थी, कोर्ट ने ये इत्तला नहीं दी है, इसीलिए इस पे भी तवज्जो होनी चाहिए। उसके अलावा बहुत सारे सवाल कोर्ट पे, बहुत सारे सवाल, मिसाल के तौर पे एक सवाल ये भी समझने की बात है कि जैसा कि कोर्ट का फैसला आ गया कि मस्जिद को जो है मंदिर के लिए दे दिया जाए, मस्जिद किसी दूसरी जगह में बनाई जाएगी, तो अब बात यह है कि अगर मस्जिद को जो हादसा पेश आया था, उसको जो शहीद मस्जिद को किया गया था, मस्जिद के साथ जो नागहानी हादसा, जो मामला पेश आया था, 6 दिसंबर का वाकया आपको याद होगा जब बाबरी मस्जिद को तोड़ दिया गया था, अगर वो वाकया पेश न आता तो क्या आज वो मस्जिद न होती, वो जगह आज भी वो मस्जिद होती, तो फिर उनको मंदिर के लिए क्यों दिया गया। बहुत सारे सवालात, कई सवालात हैं। ये बात यह है कि जब मस्जिद को आप ये तस्लीम कर रहे हैं कि मस्जिद को तोड़कर जो है वहां पर हंगामा किया गया था, मस्जिद को शहीद किया गया था, तो फिर जो शहीद करने वाले थे, जो उस फितना फसाद को आगे बढ़ाने वाले थे, मस्जिद को जो तोड़ने वाले थे, उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं की गई। बहुत सारे सवालात, उनके लिए क्या सजा मुकर्रर आपने किया है कोर्ट की तरफ से, बहुत सारे सवालात कोर्ट पे हैं। इन तमाम बहुत सारे सवालात को फिर से कोर्ट के सामने रखा जाएगा और कोर्ट से ये अपील किया जाएगा कि इस फैसले पे नजर सानी की जाए। इसीलिए आज जो ये मीटिंग की गई है, जमीयत उलमाए हिंद और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड दोनों ने जो है इस फैसले को जो है आगे लेकर जाएंगे, कोर्ट से अपील करेंगे। आप लोगों से बदस्त मैं ये जो है गुजारिश करता हूँ कि आप हजरात अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला हम तमाम के लिए खैर का मामला करें। याद रखें, ये एक बहुत अहम बात आपको बताना चाहता हूँ, ये जो कोर्ट का फैसला आया था, इसके फैसला आने से 6 महीना पहले जो बाबरी मस्जिद के बारे में जो लड़ाई चल रही थी, जो कोर्ट की तरफ जो है मुसलमानों की तरफ से जो जमात लड़ रही थी, यानी सुन्नी वक्फ बोर्ड, उन्होंने ये कह दिया था कि हमें जो है, उन्होंने लिखकर कोर्ट से ये दे दिया था कि हम जो है जमीन को छोड़ने के लिए तैयार हैं। लेकिन अफसोस का मकाम है कि मस्जिद को बेचने के लिए आज के दौर में लोग तैयार हो चुके हैं। लोगों, जैसे कि आपने सुना होगा सलमान नदवी साहब के बारे में, मस्जिद को बेचने के लिए, ये कयामत की निशानी नहीं है तो क्या है। और अब आप सोच कर देखें, मस्जिद को बेच रहे हैं। अल्लाह ताला इनकी हिफाजत करे, अल्लाह ताला इनको समझ अता करे, अल्लाह ताला हम तमाम को ऐसे लोगों से दूर रखे। याद रखें, कयामत की निशानी है मस्जिद को बेचना। मस्जिद जहां बन जाए कयामत तक वो मस्जिद है, वो अल्लाह का घर है। याद रखें, मस्जिद जैसे ही उसकी जो है ताजीम जरूरी है, मस्जिद जहां बन जाए वो अल्लाह का घर बन जाता है, वो काबे शरीफ की तरह हो जाता है।
اسی لیے سمجھیے کہ مسجد کو توڑنا کعبہ شریف کو توڑنے کی طرح ہے، اسی لیے ایسے معاملات پہ ہم خاموش قطعاً نہیں رہ سکتے۔ اور یہ بھی یاد رکھنا ہے آپ کو، آپ جانتے ہوں گے یہ جو معاملہ چل رہا ہے مسجد توڑ کر جو ہے بابر نے مندر بنایا ہے، سراسر جھوٹ۔ کورٹ نے بھی اعلان کر دیا، جو کورٹ کا بھی فیصلہ آیا تھا، کورٹ نے یہ صاف کر دیا ہے مندر کو توڑ کر بابری مسجد بنائی گئی تھی، اس کا کوئی ثبوت نہیں ملا، کوئی ثبوت نہیں۔ جب آپ یہ کہہ رہے ہیں، کورٹ سے یہ سوال کیا جاتا ہے، جب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مندر توڑ کر مسجد نہیں بنائی گئی تھی، تو مسجد اپنی جگہ تھی، تو ابھی تو مسجد رہنے دو۔ جب ہمارے حق میں دلیل تم جو ہے ہماری دلیل پختہ نہیں ہے تم کہہ رہے ہو، تو پھر ان کی دلیل کیسے پختہ ہو گئی؟ ان سے زیادہ پختہ، ان سے زیادہ قوی دلیل تو ہمارے پاس موجود ہے۔ تو بہر کیف اللہ سے دعا کریں، اللہ تعالی ہمیں جو ہے حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے، علماء کے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھیں کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ صحیح تھا، کیونکہ وقف بورڈ جو میں نے کہا تھا کہ جو اس کیس کو لڑ رہا تھا، جو جماعت لڑ رہی تھی، وقف بورڈ نے اس زمین کو چھوڑنے کے لیے جو ہے راضی۔ سوچئے کیا عجیب معاملہ ہے، مسلمان آج خود غدار نکل رہے ہیں۔ اللہ تعالی ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ MARB دینی معلومات چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی والے نشان کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں، اور ہماری ہر ویڈیو آپ اپنے چینل میں ڈال سکتے ہیں۔ نیز ہمارے ساتھ واٹس ایپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنا نام اور مکمل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر میرے واٹس ایپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں۔